अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो स्टैंडर्ड थर्ड के बच्चे। तो कल मैंने रोटेशन, रिवॉल्यूशन और सन के बारे में पढ़ाया था, और ये भी बोला था कि सन जो है, सन का डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा कि सन क्या होता है, और अर्थ का बना लीजिएगा डायग्राम, डे नाइट का बना लीजिएगा। लेकिन किसी ने भी बच्चे ने भी कोई वर्क नहीं किया। लगता है कि कोई नहीं देखता है वीडियो और कोई नहीं इस पर इसको रिस्पॉन्स करता है, तो बहुत गलत बात है। जब आप लोग की टीचर से इतना मेहनत कर रही हैं, तो आप लोगों को भी साथ साथ में मेहनत करना है, तभी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ऐसे थोड़ी चलेगा कि एक आदमी पढ़ाता जाए और आप लोग कुछ जवाब नहीं दो। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सन क्या होता है। सन एक बहुत बड़ा है, बॉल है हॉट गैसेस का। इट इज़ द स्टार क्लोजर, और ये अर्थ के सबसे नज़दीक है। इसकी अपनी लाइट होती है और हीट होती है, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, और सन से उन लोगों को हीट और लाइट मिलती है। सन का सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, कितना सेंटीग्रेड ऑन अ वेरी हॉट डे। और कभी कभी धरती पर भी उसका जो, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कभी बढ़ जाता है, तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये सन का डायग्राम आप लोग बनाइएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, ये देख लीजिए, द सन एंड द एट, और कितना प्लैनेट्स हो गया, एट, क्योंकि प्लूटो हट गया है। टुगेदर फॉर्म आवर सोलर सिस्टम। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट से वो मूव करता है ना। अच्छा, वेस्ट टू ईस्ट। डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन। तो ये आप लोग लिख लीजिए। और अब आ जाइए मून के बारे में। मून के बारे में पढ़िए। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब ये आदमी का बनाया हुआ सैटेलाइट नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसको गॉड ने बनाया है, और ये जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, और ये एक अर्थ के चारों ओर ये 27.5 दिन में एक चक्कर काटता है, यानी एक महीना कंप्लीट हो जाता है। और ये जो है वो ज़मीन से 384,400 किलोमीटर दूर है। इट हैज़, इसकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, और ये चमकता इसलिए है कि इसको सूरज की लाइट इस पर पड़ रही होती है। हम लोग चांद का वही पार्ट देखते हैं जो हम, जहाँ पर सूरज की लाइट पड़ती है। अगर सूरज की लाइट जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर का पोर्शन हमको चांद का नज़र आएगा। चांद हमेशा अपना शेप बदलता रहता है, समझ गए ना, हमेशा वो चांद जो है वो अपना शेप जो है वो बदलता रहता है। कभी बिल्कुल पतला हो जाएगा, कभी एकदम गोल हो जाएगा, कभी आधा हो जाएगा, कभी एकदम इस तरह से हो जाएगा, अर्थचंद्रकार हो जाएगा। तो ये देख लीजिए चांद का किस तरह का शेप है, ये आप लोग अपनी कॉपी पे ज़रूर बनाइएगा। समझ में आ गया। जब चांद जो है, देखो मून जो है, जब अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो हमको चांद नज़र नहीं आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून। क्या बोलते हैं, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता है, तो ये इस तरह का क्रिसेंट होता है, फिर आधा होता है, फिर ये इस तरह का और थोड़ा बढ़ेगा, फिर यहाँ पर पूरी लाइट पड़ रही है तो ये फुल मून है, फिर घटने लगता है धीरे धीरे, फिर वापस ये बीच में आ जाता है ज़मीन के। तो इस तरह से हम लोग चांद का ये फेजेस ऑफ मून है, ये आप लोग साइंस की कॉपी में बना लीजिएगा। तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ द मून को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर, और जब हम लोग हाफ मून को देखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं गिब्बस मून। क्या मून, गिब्बस मून। फिर धीरे धीरे ये जो है ये बढ़ता रहता है फुल मून की तरफ, फिर फुल मून से फिर हाफ होता है। तो ये इतना है, इसी तरह से ये चांद का ये एक जो है ये शेप है। इसको आप लोग साइंस की कॉपी में ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी अपनी लाइट नहीं होती है, जैसे जैसे सूरज की लाइट इस पर पड़ती है वो हमको नज़र आती है, जब सूरज की लाइट इस पर नहीं पड़ती है तो हमें ये नज़र नहीं आती है। अब आ जाइए स्टार्स। स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज दैट हैव अ लाइट ऑफ देयर। स्टार्स जो है वो, तो सन भी एक स्टार है, तो स्टार्स की अपनी लाइट होती है, लेकिन ये बहुत बहुत दूर होता है, इसलिए हमको ये रात में नज़र आता है। कभी कभी हम लोग इसे देखते हैं कुछ पैटर्न्स में भी है, बहुत सारे एक साथ ग्रुप में भी रहते हैं, कुछ शेर के जैसा, मतलब अलग अलग टाइप का नज़र आता है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ऐसी कितने कॉन्स्टिलेशन है, 88 कॉन्स्टिलेशन है। कितने कॉन्स्टिलेशन है, ऐसे 88 डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन है। स्टार्स के ग्रुप को हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। कौन कौन से कंप्लीट कॉन्स्टिलेशन है, कुछ कॉन्स्टिलेशन फेमस हैं जैसे उर्सा मेजर, स्कॉर्पियोस, ओरियन, है ना, लियो, ये सब हैं। ऑन ए क्लियर, कभी कभी आप लोग जब एकदम साफ रात रहेगी तो आप लोग आसमान पे देखिएगा तो आपको इस तरह के नज़र आएंगे।
एस्ट्रोनॉमर्स किसको बोलते हैं, ज्योतिषियों के पता लगा लेते हैं पूरे अंतरिक्ष या सब स्पेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में लोग पता लगा लेते हैं एस्ट्रोनॉट के स्पेस के बारे में। ये जो जो लोग जो सन की स्टडी करते हैं, मून की स्टडी करते हैं, स्टार्स की, प्लैनेट्स के, उसे हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, है ना, एस्ट्रोलॉजर, ये सब। सबसे पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट था। उसने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की, उसने बहुत, उसका दिमाग तेज था, वो सब चीज़ पता लगा। तो उसी ने पता लगाया कि अर्थ जो है वो राउंड है और अपने एक्सिस पर घूमती है, फिर चांद को कोई अपनी लाइट नहीं होती है, वो सूरज की लाइट से ही वो उस चमकता है। तो ये सब आर्यभट्ट ने बताया था। इसके नाम से एक सैटेलाइट भी है। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा एक और एस्ट्रोनॉमर है जिसका नाम है वराह मीरा। ये भी आर्यभट्ट के टाइम में था। इसने भी बहुत सारी कॉपी बुक्स लिखी। फिर भास्कर है, वो भी एस्ट्रोनॉमर है जो कि 900 साल पहले तक था। उसने भी बताया कि प्लैनेट कैसे घूमता है। कभी आप लोग दिल्ली गए हो, वहाँ जंतर मंतर है और जयपुर में भी है, तो वहाँ सवाई राजा जयसिंह ने उसको बनाया था, जो कि वहाँ का राजा था, उसने स्टार की स्टडी करने के लिए बनाया था, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आज आपको पता लगा लेते हैं कि स्टार्स का क्या क्या पोजीशन है। तो ये सब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में जानिए कि कौन कौन है। आर्यभट्ट हुए, ब्रह्मवीरा हुए, है ना, ये सब भास्कर हुए, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब पता लगा लेते हैं तारों की दिशा, जैसे ग्रह नक्षत्र, ये सब के बारे में, कौन सी राशि क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं और इन लोगों ने बहुत कुछ बताया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपको इसमें डायग्राम्स में क्या क्या बनाना है, फेजेस ऑफ द मून बनाना है, सन बनाना है, डे नाइट बनाना है, तो आपका यही होमवर्क है। और जो वर्क दिया जा रहा है उसको कीजिए, और पहले का भी वीडियो देखिए कि हमने क्या क्या वर्क दिया। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बिल्कुल भी, और अब हम इसका एक्सरसाइज कराएंगे। इसका एक्सरसाइज यानी पूरा एक्सरसाइज कल हम कंप्लीट करा के 12 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और जो हम वर्क दे रहे हैं उसको कीजिए। ठीक है, ओके, टेक।